पूरा संसार में भगवान कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती को उदाहरण दियो जाए से। पोरबंदर शहर एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, वो है सुदामापुरी यात्रा धाम। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र सुदामा जी तो आप सब जाना ही था, तो बाको इंडे जन्म स्थान बताया जाए से पोरबंदर ने पहले सुदामापुरी भी कहो जाए जो आजकल इंडे बहुत ही भव्य मंदिर बना दिया है, जिसको नाम है सुदामा मंदिर। तो अब चाला सा मंदिर का मायने और मथा न दिखाऊँ छू पूरा मंदिर, इंडे ही बाको घर भी बताया जाए से। मैं जूम कर था न दिखाऊँ छू और देखो वो लिख रहे हो सुदामा मंदिर। तो अब चाला सा पास में और देखा जा सारी चीजें इंडे की स्थापत्य कला का हिसाब से देखा तो बहुत ही खूबसूरत वो मंदिर से। देखो बड़ा सुंदर सुंदर पिल्लर सी और खूब सारा पिल्लर ई मंदिर में सी। अब मथा ने सामान सु दिखाऊँ छू मंदिर को ओ एरियो और दूसरी तरफ ओ बरामदो बनेड़ो से, मतलब जिंडे आपा बैठ सत्संग्रिया कर सका जा। ए दो द्वारपाल सी, द्वारपाल की मूर्तियाँ सी और सामान है सुदामा जी की मूर्ति लग रही से गर्भगृह में ओ गुंबज से। तो बड़ो ही प्यारो मंदिर से। मंदिर का बरामदा में बड़ी जोरदार एक तस्वीर लाग रही है, पेंटिंग है और एक मायने आप वो दृश्य देख सका था जब भगवान श्री कृष्ण से मिलवा बाका परम मित्र सुदामा जी गया था और भगवान कृष्ण बाका पैर धोया था। दोस्तों, द्वारका जी सु मात्र 104 किलोमीटर की दूरी पर ही है सुदामापुरी, जिन्हें आजकल पोरबंदर का नाम से जाने जाए छे और जो महात्मा गांधी की जन्म स्थली भी है पोरबंदर। तो इंडे आ और थे सुदामा जी का मंदिर का दर्शन कर सको छो। देखो मंदिर कतरो खूबसूरत है, पिलरा की बनावट थे इंडे देख सको छो। अब चाला सा मंदिर का बगीचा में और इंडे देखो एक बहुत ही प्यारी सी मूर्ति लाग रही है, यहाँ मान लो जीवंती दिख रही है कृष्ण और सुदामा जी को मिलाप हो रही है। देखो कतरी खूबसूरत मूर्ति जी ने कैसे कहा था भगवान आपका परम मित्र से मिल रहे सी, गले मिल रहे सी। देखो ते हाँ, पूरा संसार में भगवान कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती को उदाहरण दियो जाए से और भी दोस्ती नहीं दर्शाती आप प्यारी सी मूर्ति से सुदामा जी और कृष्ण जी मिल रहे जी पोरबंदर का सुदामा मंदिर में। दोस्तों, जिया की अबार मथा ने बताए छो और थे सब भी जानो छो कि महात्मा गांधी को जन्म स्थान भी पोरबंदर में ही है। तो इंडे बाका जन्म स्थान पर एक संग्रहालय है आजकल जाकू जी को नाम है कीर्ति मंदिर। तो थे इंडे महात्मा गांधी को जन्म स्थान भी देख सको छो। पोरबंदर शहर समुद्र के किनारे बसोड़ो से, तो इंडे को समुद्र को किनारो भी थे देखो ओ छे पोरबंदर को समुद्री बीच जिन्हें ऊंची ऊंची लहरा रही थी समुद्र की। पोरबंदर बीच पर जो माने सबसे खास चीज दिखी बाची देखो कबूतर और बत्तख एक साथ थे और इंडे दाना डालवा को स्थान बना मिले थी और बत्तख भी शेष तरह का सी है, बाकी प्रजाति को नाम तो मान ध्यान को न काली चोच से और काला ही पैर सी ओ देखो और कबूतरा के बीच में रिचि है और नमकीन खाए जी है मीठो कौन खाए नमकीन खाए सी। देखो तो दोस्तों सोमनाथ और द्वारिका के बीच में ही पड़े थे पोरबंदर, थे भी कदे आओ तो पोरबंदर शहर ने जरूर देख जो महात्मा गांधी को जन्म स्थान कीर्ति मंदिर और सुदामा मंदिर दोनों चीजा देख रहा था ना अच्छो लाग लो। वो वीडियो था ना कसोक लागे मान कमेंट्स कर जरूर बता जो और चोखो लागे तो लाइक और शेयर भी था जरूर करनू से। देखता रहो राजू का सफरनामा, राम राम सा।